बनारसी सिल्क है ना ये। मैं बंदा खाऊंगी अभी, मेरे को बहुत भूख लगी है। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो करते हैं जो आज के एक नए ब्लॉग की शुरुआत आपकी अपनी हिमालयन क्वीन के साथ। तो फ्रेंड्स, पहाड़ों से सीधा मैं पहुँच चुकी हूँ पिंजौर। तो आज का जो ब्लॉग है उसकी शुरुआत भी हो रही है चलते चलते। तो फिलहाल आगे ब्लॉग में क्या रहता है और कौन कौन मेरे साथ है तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फिलहाल अभी वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं और मैं हूँ कि लेट लेती हूँ, अब पहुँची हूँ। हेलो गाइस, तो चलते हैं ऑटो। एक मिनट, चलो जी। साथ में है नवीन श्याम और के के ब्रो, के ब्रो। और यहाँ से हमने लिया ऑटो। झटके लग रहे हैं भाई। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच चुके हैं मार्केट में और अभी हम जाने वाले हैं साड़ी वगैरह देखने। तो चलिए आज की शॉपिंग आपको भी दिखाते हैं और फिलहाल चलते हैं शॉप के अंदर। और अभी हम हैं मंगला साड़ी शॉप के बाहर। सो यहाँ की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस होती है, तो देखते हैं कि इनके पास किस तरह की साड़ीज़ है और आपको भी दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, अभी मेरे साथ है भाभी जान। हेलो फ्रेंड्स, साइशा चौहान, रॉयल पहाड़न। सो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने और चलिए, धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी हो गई अभी। हाँ, गर्मी थोड़ी सी गर्मी होगी, बट जब हम आए थे तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, बट पिछले दो दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अब सही लग रहा है कलर, है ना। तो गाइस, अब हमने साड़ी देखना स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी गाइस, तो हमने यहाँ पे साड़ी देखना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे कलेक्शन है अच्छे अच्छे। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं सिल्क की साड़ियाँ। इसमें लेमन कलर था शायद बाहर, ना सुंदर लग रहा था, लेमन कलर था। ये भी अच्छा है कलर। तो सूट, साड़ियाँ, लहंगा सब कुछ मिलेगा फ्रेंड्स इधर। काल का मंगला साड़ी शॉप, वेलवेट में तो है नहीं इनके, बस हाँ हैंड जैसे कई बार होता है ना, पानी के बाद चुभती है साड़ी। सेम रेंज की साड़ी वाला बोल रही हूँ मैं। नीचे से आएगी साड़ी, बोल रहा हूँ अलग ही ग्रेस है साड़ी। इस वाले का प्राइस ये सेम 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 तो नहीं है। अठतीस सौ का जाम, मोटा ही जाम लग गया है गाइस सीरियसली। तभी हम जाने वाले हैं बॉम्बे क्लॉथ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सूट्स देख लेते हैं। यहाँ पे साड़ीज तो नहीं मिलेगी, बट सूट्स मिलेंगे हमें यहाँ पे। चलो देख लेते हैं। इसका प्राइस क्या है? तो फ्रेंड्स, अब हम जाने वाले हैं पूजा साड़ी में, वहाँ भी देख लेते हैं कि वहाँ पे हमें मिलता है या फिर क्या रहता है। अभी हम देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं और फाइनल हम जाने से पहले हम फाइनल करेंगे, जाते जाते उठाएंगे। हाँ हाँ, जाते जाते उठाएंगे क्योंकि कहाँ मार्केट में पूरा सामान लेकर घूमेंगे। क्या प्राइस है भैया इसका? 2400। और ये जो है 4250। सुंदर साड़ी है, बनारसी सिल्क है ना ये। और इसका 2850। ये भी बनारसी है। चलो ले चलते हैं। क्या प्राइस है अंकल? 150। छोटी बने बनाए।
क्या प्राइस है पूछो जरा। 200 के बने बनाए। और ये जो सॉक्स लगे हैं ना इनके क्या प्राइस है? 80 रुपीज। थैंक यू खाना जी। हल्का बाजार। तो गाइस आजकल आपको मिलेंगे सर्दियों के ही ज़्यादातर कपड़े, हर तरफ सर्दियों के कपड़े हैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं अभी गांधी चौक पर और वो लोग कहीं खो चुके हैं, उनको ढूंढना इम्पॉसिबल हो गया और यहाँ पर हम लोग खो चुके हैं। क्या बोला तूने? और वो लोग मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं साथ में। आज की गाय शक्ल की बैंड बजी है, अभी इंटरव्यू होता ही होता है। भटकते भटकते हम लोग पहुंच चुके हैं फैशन पॉइंट। चले भाभी जान ऊपर। और कितना प्यारा कलर है ना। हाँ हाई हमें मिले और कहाँ फैशन पॉइंट में। सच में यार भूख लग गई। तो फ्रेंड्स आते ही मुझे पसंद आया है यहाँ पर एक बैग जिसका प्राइस है 2050, ओनली 2050। वो भी अच्छा है। बहुत ज्यादा रश है गाइस आज फैशन पॉइंट पे। तो गाइस फैशन पॉइंट में जो है विंटर के कलेक्शन पर भारी भरकम सेल चली है क्योंकि अब समर आने वाला है। तो इसलिए हाँ देख लेते हैं, वेलवेट की मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। पर ये नहीं है वो वाले भैया। क्या खाएंगे? नहीं खाना चाहिए। मैं बंदा खाऊंगी अभी, मेरे को बहुत भूख लगी है। और यहाँ ना एक मैडम हमारा वेट कर रही है बेसब्री से। प्राइस है फ्रेंड्स 2400। तो गाइस इसके बाद हम लोग आए अमृतसर वालों की शॉप में। सो इनके पास हमें बड़े सारे ऑप्शन मिल गए थे, शिफॉन, जॉर्जेट, बनारसी सिल्क, हर तरह की इनके पास साड़ियां थी। यहाँ पे हमारी भाभी जान साड़ी ट्राई करते हुए। मेरी साड़ी आशीर्वाद ठीक ठाक बढ़िया बढ़िया तू बता। और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग गए मोंटे कार्लो क्योंकि यहाँ पे भी काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है आजकल। हाय फ्रेंड्स, तो शाम के हो चुके हैं 6:30 और मैं अब जाकर घर पहुंची हूँ और बाहर जो है ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही चुका है और ठंड ना इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है।
बहुत ज़्यादा। इवन हिमाचल में भी इतनी ठंड नहीं है जितनी हरियाणा में और पंजाब में ठंड है। तो जस्ट मैं अभी पहुँची हूँ और बाहर अंधेरा भी हो चुका है और कोहरा भी छा चुका है, और अब मैं चेंज करती हूँ और देखते हैं कि शाम को डिनर में क्या बनाऊँ। One hour later. गाइज, यहाँ मैंने बनाई गाजर और गोभी की सब्जी, और इसके बाद इन्जॉय करें अपने ही व्लॉग टीवी पर देखकर। तो आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।